हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक फुल सर्कल पार्टी वेयर अम्ब्रेला स्कर्ट बनाएंगे और मैं यहाँ पे ब्लू कलर फैब्रिक के साथ रेड फैब्रिक इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे इस स्कर्ट को इसके टॉप के साथ मैच करके बनाना था। आप चाहे तो एक ही कलर से बना सकते हो। अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहते हो तो टोटल मेन फैब्रिक 2.75 मीटर का चाहिए और लाइनिंग फैब्रिक 1 मीटर का चाहिए और मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा रेड फैब्रिक लिया है। तो पहले हम मेन फैब्रिक को ऐसे खोल के इसके एक कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल शेप में रखेंगे और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा एक स्क्वायर पीस बन जाएगा। और जो बाकी कपड़ा है इसमें से हम इसका फ्रिल बनाएंगे। तो अभी स्क्वायर पीस को हम 4 फोल्ड कर देंगे। ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे साइड से और एक बार फोल्ड करके और एक छोटा सा स्क्वायर पीस बना लेंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर पीस है। अभी ये देखिए इसका ओपन साइड है और इसके बंद वाला साइड से इसका वेस्ट मेजरमेंट लेंगे। तो इससे पहले मैंने इसको पिनअप करके फिक्स कर लिया है और अभी इसके कॉर्नर से आपका वेस्ट मेजरमेंट जितना है इसमें से 4 आर्क करके 2π से डिवाइड करना है जितना आएगा। यहाँ पर हमें कर्व बनाना है तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5.5 इंच आया। तो इसके कॉर्नर से 5.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है जो कि टोटली एक कर्व बन जाएगा। तो अभी इस कर्व को हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सेम आना चाहिए। मेरा 8.5 आ रहा है तो ये बिल्कुल राइट है। तो इस स्कर्ट के जो अम्ब्रेला वाला पार्ट है इसका हाइट मैंने 16 इंच लिया है तो इसके कर्व से हमें 17 इंच पे मार्क करना है, नहीं तो कॉर्नर से 22.5 इंच पे मार्क करना है। तो ऐसे ही कॉर्नर से पूरा 22.5 इंच पे मार्क करके और एक कर्व बनाना है बड़ा सा जो कि स्कर्ट का घेरा रहेगा। सारे पॉइंट्स को मिला के बड़ा सा कर्व बनाएंगे और ये छोटा वाला कर्व और बड़ा वाला कर्व को काट लेंगे। तो ये देखिए हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग हो गई है। तो ये पूरा फुल सर्कल वाला अम्ब्रेला स्कर्ट है और इसके चारों तरफ हमें फ्रिल को लगाना है। तो इसके लिए बाकी कपड़ा को मैंने ऐसे काट लिया है जिसका चौड़ाई है 7 इंच। अभी इस कपड़ा को यूज़ करके हमें फ्रिल बनाना है तो इससे पहले हम कपड़ा को जोड़ लेंगे ताकि हमारा बड़ा सा कपड़ा बन जाए। पर मुझे यहाँ पे फ्रिल में रेड फैब्रिक को यूज़ करना है तो इसके चौड़ाई जितना है इसके अकॉर्डिंग रेड फैब्रिक को भी काट लेना है। तो रेड फैब्रिक का 5 पीस और ब्लू फैब्रिक का 5 पीस मैंने काट लिया है। अभी रेड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर ब्लू फैब्रिक को ऐसे उल्टा रखना है और जॉइंट कर देना है। तो ऐसे ही कपड़ा को अल्टरनेटिवली रख के सारे कपड़ा को जॉइंट कर देना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। तो सवाल आता है कि कितना फैब्रिक ले फ्रिल के लिए, तो इसके घेरा को माप लेना है आपको जितना है इसका 3 गुना कपड़ा लेना है फ्रिल के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़ा को जॉइंट करके इसके बटन को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अभी हम इसके एक एंड से ऐसे फ्रिल बनाते जाएंगे पूरे कपड़ा के ऊपर। आइए मैं मशीन पे दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए आप अगर फ्रिल बनाना चाहते हैं तो जिस एरिया पे आप फ्रिल बनाना चाहते हो उस एरिया का आपको लेंथ लेना है, मेजरमेंट कर देना है और जितना भी होगा उसका 3 गुना कपड़ा लेना है और साइड में कपड़ा को जॉइंट करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों साइड में। तो देखिए कितना सुंदर फ्रिल बन गया है। अभी इस फ्रिल को स्कर्ट के साथ अटैच करना है तो स्कर्ट के घेरा वाला पार्ट के ऊपर फ्रिल को ऐसे उल्टा रखना है और पूरे सर्कल पे इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है और इसका हाइट है 21 इंच और हमारा बेल्ट 1 इंच का बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस स्कर्ट के लिए लाइनिंग फैब्रिक का कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीस लिया है और इसको 4 फोल्ड करके रखा है ऐसे और पिनअप भी कर लिया है। तो यहाँ से हमें तिरछा करके इसका वेस्ट लाइन का मेजरमेंट ड्रॉ करना है। तो ऊपर से हमें 2 इंच पे से मार्क करना है और यहाँ पे हमें तिरछा करके इसका वेस्ट लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क किया है ऐसे तिरछा करके क्योंकि हमें दोनों साइड में इसको कटिंग करके स्टिच करना है। तो ये देखिए इसके कॉर्नर के साथ इसको मिला के और इसके नीचे से 3 इंच पे मार्क करके ऐसे नीचे वाला पार्ट को कर्व बनाएंगे और इसको काट लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक का कटिंग हो गया है
और इसके दोनों साइड को ना हमें इसको स्टिच कर देना है, और इसके बटम को डबल फोल्ड करके पूरा राउंड में स्टिच कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बटम और इसके दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के अंदर इसको ऐसे डालना है सीधा, और इसके वेस्ट लाइन को इसके साथ बराबर करके पिन अप कर लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते वक्त आसानी हो। तो यहाँ पे हमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टिच कर ली है। अभी हम इसके वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो मैंने बेल्ट के लिए इसका चौड़ाई लिया है 4 इंच। इस बेल्ट का लेंथ आपका वेस्ट मेजरमेंट जितना है इससे ज़्यादा थोड़ा लेना है, बाद में हम इसको काट लेंगे। और इसके साथ ही इसके लाइनिंग फैब्रिक को भी लेना है। इसके बेल्ट वाला फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे रख के इसके एक साइड को स्टिच कर देना है, और इसके बाद इसको ऐसे पलट लेना है, और इसको पलटने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच और इसके चारों तरफ हमें स्टिच कर देना है। तो ये हो गया हमारा स्टिचिंग, ये है हमारा फिनिशिंग एंड। तो बेल्ट के दूसरे एंड को हमें स्कर्ट के वेस्ट लाइन के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे जॉइंट के लिए, और इसके रॉन्ग साइड के ऊपर बेल्ट के रॉन्ग साइड को ऐसे रख के इसके राउंड में पूरा स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसके साथ बराबर करके काट लेंगे। पहले हम इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और फिर इसके वेस्ट लाइन के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो पूरा बेल्ट इसके ऊपर हमारा स्टिच हो चुका है। अभी हम इस बेल्ट को सीधी साइड के ऊपर टर्न करके पूरे वेस्ट लाइन पे स्टिच कर लेंगे, लेकिन किसी जगह पे थोड़ा गैप छोड़ देना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है, इसके अंदर हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक आपका वेस्ट मेजरमेंट जितना है 4 इंच कम करके लेना है। जैसे कि मेरा 30 इंच है तो मैंने 26 इंच का इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक को सेफ्टी पिन के मदद से इसके वेस्ट लाइन पे पूरा इंसर्ट ऐसे कर देना है, और इसके दूसरे साइड पे इसको निकाल देना है। अभी हम इलास्टिक को जॉइन करेंगे। तो इलास्टिक को देखिए ऐसे हम उल्टा करके पकड़ेंगे और यहाँ पे 3-4 बार ऐसे सिलाई कर देंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे जिगजैग स्टिचिंग कर सकते हैं। अभी हम इलास्टिक को इसके अंदर ऐसे डालेंगे और ऐसे स्ट्रेच कर देंगे ताकि इलास्टिक अच्छे से इसके अंदर चले जाए, और जहाँ पे हम गैप छोड़े थे स्टिचिंग नहीं किए थे यहाँ पे हमें 2 बार ऐसे स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारे फुल सर्कल अम्ब्रेला स्कर्ट बन के रेडी हो गया है पार्टी वेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।